फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, तो इसमें देखो कितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए थे, 4,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए थे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया था, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं आया था और फाइनल कॉल पे भी नहीं आया था 100 शेयर्स का अमाउंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड टू फोरफिट दिस शेयर्स, तो फोरफीचर की एंट्री करनी है। तो फोरफीट, देखो जो फोरफीचर अकाउंट होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, और याद रखना फोरफीचर में हम हमेशा वो अमाउंट, देखो फोरफीचर हमेशा क्रेडिट होगा प्लस, जब इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, जो अमाउंट अभी तक जो शेयर होल्डर ने दिया था, तो शेयर होल्डर ने क्या किया था, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया था लेकिन उसने एप्लीकेशन भी दिया था और अलॉटमेंट भी दिया था, तो एप्लीकेशन का मनी और अलॉटमेंट का मनी दोनों किस में आएगा, फोरफीचर अकाउंट में, क्योंकि फोरफीट मतलब क्या होता है, जब्त करना। तो हम वही जब्त करेंगे जो उसने दिया था, कि जो उसने नहीं दिया वो हम जब्त कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए फोरफीचर का मतलब है उसको जब्त करना। तो जितना अमाउंट मिल चुका है वो, अब देखो इसकी एंट्री ध्यान से समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मैंने बोला कि फोरफीचर हमेशा क्रेडिट होगा जब अपन इसको फोरफीट करेंगे, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू। अब इसके बाद वो एंट्री करते हैं जिसका हमको अमाउंट नहीं मिला था, याद रखना, तो फर्स्ट कॉल का नहीं मिला था और फाइनल कॉल का नहीं मिला था, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो बस बहुत सिंपल होती है फोरफीचर की एंट्री, याद रखना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, फोरफीचर हमेशा क्रेडिट, कौन सी अमाउंट से जाएगा, जो मिल चुका है प्लस जो नहीं मिला है वो। और देखो तो शेयर कितने का था, 100 रुपीज का था, तो कितने शेयर्स थे अपने पास, इसको 100 शेयर्स थे, ये देखो ये 100 शेयर्स है, और कितने रुपए का शेयर था टोटल, 100 रुपए वाला। नेक्स्ट देखो फर्स्ट कॉल में कितना आएगा अमाउंट, 100 शेयर थे, फर्स्ट कॉल का इसने कितना नहीं पे किया था, ये देखो ये 20 रुपए दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 100 × 20। फिर फाइनल कॉल देखो वो कितने का था, 10 रुपए का, ये तो 100 × ये 10 हो गया। और देखो फोर फीचर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो इसने दिया था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, कितना, 50 और 20 मतलब 70 रुपए जो इसने दिए थे, तो 100 × 70, तो देखो बैलेंस हो गया ना, 70 + 20, 90 + 10, 100। और यहाँ भी देखो हम ऑलरेडी 100 से कर रहे हैं जितने का शेयर था, तो 100 × 100 करो 10,000। फोरफीट हम कितने से करेंगे, 70 रुपए से, क्योंकि 70 रुपए इसने दिए थे, 7,000, इसमें इसने 2,000 नहीं दिए और इसमें इसने 1,000, तो ये देखो बैलेंस हो गया। तो ये थी फोरफीचर की एंट्री, बहुत ही सिंपल होती है। देखो किसी को डाउट है इस एंट्री में, नो मैम। सबको समझ में आया, सबको मतलब सबको, यस मैम। यस मैम। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो सब फिर ठीक हो जाता है। नोट किया सबने, यस मैम। ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी ने नहीं किया तो जल्दी से इसको नोट करो कि क्लियर कर दूं, अगर सबने कर लिया है तो।
अरविंद कॉटन लिमिटेड, एक शेयर कितने का है उसका? 100 रुपीज का। देखो अब एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है? 20। अलॉटमेंट में 30। देखो लिखा है प्रीमियम सहित, इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 10% प्रीमियम पे दे रहा है। 100 रुपीज का शेयर 10% प्रीमियम पे कितना होगा? 10। इट मीन्स 100 + 10, 110। तो इसमें प्रीमियम का इंक्लूडेड है 30 रुपए, तो ये हो जाएगा 20 + 10। फिर है फर्स्ट कॉल पे 20 और सेकेंड कॉल पे है, मतलब फाइनल कॉल पे 40। तो देखो 20, ये 20 है ना, यहाँ पे देखो ये 20 लिखा है मैंने। 20 + 20 = 40, 40 + 20 = 60, 60 + 40 ये हो गया 100, प्लस ये प्रीमियम का 10 रुपये। ये वर्किंग नोट आपको ये बनानी पड़ेगी ऐसे एग्जाम में, ठीक है? ऐसे सिंपल सिंपल छोटे छोटे वर्किंग नोट्स के पॉइंट रहते हैं। अशोक जो 500 अंश का धारक था, अब अशोक है कितने शेयर्स लिए इसने? 500 शेयर्स लिए। अपनी आवंटन और प्रथम याचना की राशि का भुगतान नहीं कर सका। किसका नहीं किया? आवंटन और प्रथम याचना, मतलब अशोक ने क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट भी पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल दिया है तो आप सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही देखना, सेकंड कॉल में मत आना। नेक्स्ट देखो बिट्टू जो 300 अंश का धारक था, एक अशोक एक बिट्टू, इसको ए बोल रही हूँ मैं और इसको बी बोलूंगी अब, ठीक है? ए से अशोक और बी से बिट्टू। कितने अंश थे इसके पास? 300 शेयर्स थे इसके पास। हु वाज होल्डिंग 300 शेयर्स, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। इसने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल। देखो कंपनी अभी सेकेंड कॉल की तो बात ही नहीं कर रही है, तो आप लोग जबरदस्ती सेकेंड कॉल की एंट्री मत करवा देना। क्वेश्चन में जहां तक दे वहीं तक, ये क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखना। इसके बाद देखो अंशों की जब्ती से संबंधित प्रविष्टियां कीजिए, पास जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अच्छा हाँ, इसमें एक लाइन और देखो, प्रथम याचना के बाद अशोक और बिट्टू के अंशों को जब्त कर लिया गया। द शेयर्स ऑफ अशोक एंड बिट्टू वर फोरफीटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, मतलब जैसे ही फर्स्ट कॉल हुई और वैसे ही शेयर्स क्या कर रहा है? फोरफीट कर रहा है। इट मींस इसमें देखो जो शेयर कैपिटल में मैंने पूरा पहले 100 रुपए लगवाया था लास्ट वाली एंट्री में, अब हम कितने का मानेंगे एक शेयर? क्योंकि देखो फाइनल कॉल के लिए तो इनको कॉल ही नहीं गया, कंपनी डायरेक्ट फर्स्ट कॉल में ही शेयर को क्या कर रही है? फोरफीट कर रही है। फाइनल कॉल कितने का था? 40। शेयर कितने का है? 100 रुपए का। ये प्रीमियम हम नहीं ऐड करेंगे, याद रखना प्रीमियम ऐसे ही रहता है, प्रीमियम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें इतनी। शेयर कितने का है? 100 रुपए वाला। फाइनल कॉल के लिए अभी तक कॉल नहीं किया, इट मींस माइनस किया 40, तो अभी कंपनी ने कितने रुपए ही कॉल किए थे? 60 रुपए। तो इसके पहले जो हमने वो फोरफीट वाली एंट्री की थी शेयर कैपिटल वाली, उसमें हम 60 रुपए तक ही शो करेंगे। ये मैं आपको एंट्री के टाइम बताऊंगी, अभी इतना नोट करो आप लोग जल्दी से जो मैंने नोट किया है। ये समझ में आया सबको जो बताया मैंने अभी? Yes, ma'am. किसी को डाउट है इसके अलावा? इसके अलावा डाउट है किसी को? नो मैम। प्रिया साक्षी कहीं डाउट है तो बताओ? नहीं है। एंट्री करें हम? अब देखो दो एंट्री करेंगे, एक बार अशोक के रिगार्डिंग करेंगे और एक बार बिट्टू के रिगार्डिंग। अब देखो इसमें देखो एंट्री स्टार्ट कर रही हूं मैं। देखो फॉर अशोक कितने शेयर्स थे इसके पास? 500 शेयर्स थे।
अभी कंपनी ने इनसे कितने रुपए कॉल किए? 60 रुपीज, ये मैंने बताया था अभी आपको, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही जब्त हो रहे हैं इनके शेयर्स, फॉरफीट हो रहे हैं। टोटल शेयर्स है 100 रुपए का, फाइनल कॉल का अमाउंट था 40, जो अभी बुलाया ही नहीं गया, तो इट मीन्स अभी इनसे कितने रुपए लिए गए हैं? सिर्फ 60 रुपए। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी अशोक के लिए, देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू, देखो फॉर फीचर बताया था क्रेडिट होगा, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं जो ये लोग पे नहीं करते हैं, तो देखो अशोक ने क्या नहीं पे किया था? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी लिखना आप लोग, है ना, सब में, मैं नहीं लिख रही हूँ, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल तो लिया ही नहीं है इनसे अभी तक, इतने में ही इनके शेयर्स क्या हो गए थे? फॉरफीट हो गए थे। अब इसमें देखो अलॉटमेंट का फॉरफीचर इसका क्या होगा? इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, इट मींस इसने सिर्फ क्या पे किया था? एप्लीकेशन का, कितना रुपए? वो भी 20 रुपए। शेयर्स कितने थे इसके? 500, तो फॉरफीचर में आएगा 500 × 60। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर शेयर प्रीमियम वाला है, याद रखना शेयर प्रीमियम वाला है और अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया है, फिर चाहे वो जो भी हो, मतलब प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया है, याद रखना अगर प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया है इसने, तो ये जो शेयर अलॉटमेंट है देखो, इसमें पूरा लिखोगे 500 × 30 ये वाला, क्योंकि अलॉटमेंट में कंपनी कितना कॉल कर रही थी? 30 रुपए। यहाँ पे ये देखो, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, देखो 20 + 10, फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना नहीं पे किया इसने? 500 × 20। ये मैंने गलत लिख दिया ना, फोर फीचर वाला 500 × 60 लिख दिया मैंने। कितने का था एप्लीकेशन? 20 रुपए का था, तो 20 रुपए ही जाएगा। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया जब मैंने गलत लिखा? तो ये देखो, सिर्फ इसने एप्लीकेशन ही पे किया है, तो एप्लीकेशन का ये 20 ही आएगा। आया समझ में? बताओ कोई डाउट है यहां तक? कोई बताएगा कुछ डाउट है किसी को? मैम ये जो प्रीमियम का 10 इसमें 30 लिखे हैं, अगर हम लोग इसको प्रीमियम को पहले वहाँ पे किए होते तो यहाँ 30 फिर भी लिखते या 20 लिखते? 20 लिखते, वो बताऊंगी ना मैं इसमें, ये वाला बिट्टू वाले में, बिट्टू तो पे किया है ना अलॉटमेंट का। आप टेंशन मत लो, अभी यहाँ तक जितना बताया है वो समझ में आया है। अब देखो इसमें, अब देखो चीजों को बैलेंस करना सीखो। इधर देखो ये कितना हुआ? 20 दिख रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? ये देखो ये कितना हुआ? 20 हुआ, ये हो गया 30 और ये हो गया 20। टोटल करो 20, 30 और 20 का कितना हुआ? 70। ये हो गया 70 देखो। लेकिन जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें कितना लेंगे अपन? 500 शेयर्स था, कंपनी ने कितना कॉल किया है? 60। 60 बैलेंस बना? नहीं बना। इट मीन यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 500 का कितने से? 10 से। अब हुआ ना बैलेंस? ये देखो अब ये हुआ ना 60 और 10 70।
तो ये वैरायटी याद रखना हमेशा फोर फीचर में, अगर आप लोग जनरल एंट्रीज में फंसोगे तो सिर्फ इसी दो टाइप की एंट्री में फंसोगे जिसमें एक बार प्रीमियम पे किया है और एक बार प्रीमियम पे नहीं किया, तो इसलिए मैंने ये वाली वैरायटी ली थी। इसमें दोनों है, देखो अशोक वाला था, इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया था यानी इसने प्रीमियम भी नहीं दिया था। तो अगर हम प्रीमियम पे नहीं किए तो कैसे बनती है एंट्री, देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल 500 × 60 कितना हुआ, ये हो गया 30,000, फिर 500 × 10 हो गया 5,000, 500 × 20 10,000, थाउजेंड ये हो गया 15 और ये हो गया 10। आ रहे समझ में क्वेश्चन? जब प्रीमियम अमाउंट पे नहीं किया है हमने और शेयर फोरफीट हो रहा है तब ये एंट्री बनती है। हमेशा बैलेंस लेके करके चलना तभी क्वेश्चन सही होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना कि शेयर कैपिटल में हमेशा उतना ही अमाउंट आता है जितना कंपनी ने ओवरऑल बुलाया है, याद रखना। ये जो बनती है ना एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल ये वाला, ये इसमें हमेशा वही अमाउंट आता है जितना कंपनी ने अभी तक कॉल किया है। और इस अमाउंट में कभी भी ना प्रीमियम ऐड होगा ना कभी भी डिस्काउंट ऐड होगा। याद आ रहा है मैं क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इक्विटी शेयर कैपिटल वाली अमाउंट में कभी भी आपका ना प्रीमियम ऐड होगा ना डिस्काउंट ऐड होगा। लिख लो कहीं पे, एट द टाइम ऑफ फोर फीचर इसमें हमेशा वही लिखा जाता है जितना कंपनी ने शेयर का अमाउंट कॉल्ड अप किया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कंपनी ने पूरे के पूरे 100 रुपए मंगवा लिए थे, इसमें कंपनी ने अभी सिर्फ 60 ही मंगवाए थे, तो 60 से ही एंट्री होगी। प्रीमियम की देखो अलग से एंट्री किए, प्रीमियम पे नहीं किया था इसलिए अलॉटमेंट में प्रीमियम लिखे विथ इंक्लूडिंग 20 + 10। रफ करूं ये एंट्री, हाँ मैं रफ कर रही हूं ना, किसी को लिखना है तो लिख लो नहीं तो जल्दी से। ठीक, चल मैं रफ कर रही हूं। अब इसमें देखो नेक्स्ट, ये बिट्टू वाला, इसके पास कितने थे, 300 शेयर्स थे। ठीक, इसने अकाउंट पे नहीं किया था, एप्लीकेशन पे 20 था, अलॉटमेंट पे कितना था, 20 + 10 था, फर्स्ट कॉल पे कितना था, 20 था, और फाइनल कॉल पे कितना था, 40। टोटल 100 का था, देखो शेयर ये हो गया 30 का, 20 20 40, ये 100 + 10। इसने भी देखो फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे ही नहीं किया और कंपनी ने इसके इसको क्या कर दिया, फोरफीट कर दिया फर्स्ट कॉल तक। तो फर्स्ट कॉल तक अमाउंट कितना था, 20 और 20 40 और 20 हो गया 60। तो इसमें भी कॉल्ड अप कितना है, 60 रुपए। इसने देखो अलॉटमेंट अमाउंट पे किया था, बिट्टू ने क्या नहीं पे किया था, प्रथम याचना बी। क्वेश्चन में देखो बिट्टू जो 300 अंशों का धारक था वह प्रथम याचना की राशि का भुगतान नहीं कर सका, सिर्फ इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया था। तो एंट्री देखो कैसे बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा, याद रखना। टू क्या पे नहीं किया इसने, टू ये इक्विटी लिखना आप लोग सब जगह, फोर फीचर में इक्विटी नहीं आता है।
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. देखो कितने शेयर्स थे इसके, 300 शेयर्स थे. कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है अभी तक, सिर्फ 60 रुपए. अब देखो फोर फीचर में वो अमाउंट जाता है जो इसने पे किया था, तो इसने पे कितना किया है, एप्लीकेशन का 20 रुपए प्लस अलॉटमेंट का कितना पे किया है इसने बताओ, बताओ मेरे को अलॉटमेंट का कितना पे किया है इसने, 30 रुपए. 30, ठीक है. अब देखो मैंने बताया है कि शेयर कितने का है, 100 का. एल प्रीमियम अमाउंट इसने पे कर दिया है, लेकिन फिर भी वो गिनती में अब नहीं आएगा. याद रखना यही डिफरेंस होता है फोर फीचर के टाइम पे, जब प्रीमियम के अमाउंट पे करते हैं और जब नहीं पे करते हैं. इसने प्रीमियम पे कर लिया है तो अब इसका कोई हिसाब नहीं होगा. अलॉटमेंट कितने का था, 20 का. प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी, याद रखना. और फर्स्ट कॉल का कितना था जो इसने पे नहीं किया, वो था 20 रुपए का, जो इसने पे नहीं किया था अपने 300 शेयर्स में. समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे. देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिया, 300 इंटू 60 लिया, क्योंकि 60 रुपए ही कॉल्ड अप किया था. ये देखो 20 20 और 20, प्रीमियम की तो एंट्री ही नहीं होगी. और प्रीमियम तो इसने पे कर दिया है, तो फोर फीचर के टाइम पे एप्लीकेशन का कितना था, 20, और अलॉटमेंट का कितना है, 20 20 और 20 40. देखो तो 40 × 300 लेंगे हम. आया समझ में, ये हो गया 18,000, ये हो गया 12,000. यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिख रही हूँ, समझ जाना. ये हो गया 12 और ये हो गया 6,000. तो ये डिफरेंस होता है जब प्रीमियम का अमाउंट पे करते हैं या नहीं पे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी, याद रखना. मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि जो आपका मेन कैलकुलेशन का पार्ट है उसका कंप्लीट हो जाए. देखो इसकी प्रीवियस वाली एंट्री क्या की थी मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की थी, ये अशोक के टाइम पे है ना. कंपेयर करो चीजों को, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. देखो यही एंट्री की थी ना उस समय, और यहाँ पे इसका 10 रुपए लिया था, इसका 60 रुपए, इसमें 20, और इसमें देखो 20 + 10 लिया था और यहाँ पे सिर्फ 20. तो देखो ये डिफरेंस होता है एंट्रीज के बीच में, हमेशा याद रखना. अगर आपने प्रीमियम पे किया है तो अब आप प्रीमियम का मेंशन कहीं नहीं करेंगे. ये देखो यहाँ पे कहीं पे भी प्रीमियम का मेंशन नहीं हुआ क्योंकि प्रीमियम पे था, और ये वाले में प्रीमियम जब पे ही नहीं किया था तो इसलिए उसका मेंशन किए थे. देखो यहाँ पे आ रहे समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. ये और इसमें भी देखो प्रीमियम मेंशन किया था 20 + 10. देखो मोस्टली स्टूडेंट्स इसी एंट्री में गलती करते हैं एग्जाम में, फोर फीचर वाली एंट्री में. तो अब आप लोग को समझ में आया, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. कहीं डाउट किसी को, पूछ लो जल्दी से. शेयर्स जो कंपनी क्या करती है, फोरफीट करती है, ठीक. फोरफीट मतलब जब्त कर लेती है, उनको फिर से रीइश्यू भी करती है, पुनर्निर्गमन करती है. तो उसकी एक एंट्री सिंपल सी होती है, ठीक. उसके लिए कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी. तब क्या करती है कंपनी, जो फोरफीट शेयर्स हैं,
इसको साथ साथ नोट करना आप लोग, जब पार पे इशू करेगी मतलब सम मूल्य पे, ठीक। सपोज 10 का शेयर 10 में इशू की, 10 का था और 10 में इशू की, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2, क्या एंट्री होगी? टू शेयर, क्या होती है एंट्री बताओ? जब अपन इशू करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 2, क्या होगा बताओ? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, याद रखना जब री इशू करती है कंपनी शेयर्स, तब ना जब पुनः निर्गमन करती है कंपनी, तब वो शेयर्स को एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये सब फॉलो नहीं करती है, तब वो डायरेक्ट पूरा एक ही साथ इशू करती है। मान लो 10 का शेयर और पूरा 10 में की, तो पूरे पैसे वो एक साथ लेती है। कौन से वाले शेयर्स पे? जो फोरफीट वाले शेयर्स होते हैं ना, जो फोरफीचर हो चुके थे और जिनको फिर से क्या कर रही है, वो री इशू कर रही है। तो ऐसे शेयर्स पे कंपनी कभी भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं लेगी, एक साथ पूरा पैसे ले लेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, याद रखना। सेकंड, अगर कंपनी फोरफीट शेयर्स को फिर से री इशू कर रही है ना, री इशू कर रही है एट प्रीमियम, याद रखना, अगर कंपनी फोरफीट शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रही है, मतलब 7 रुपए वाला शेयर अब वो, सॉरी 10 वाला शेयर वो 12 रुपए में इशू कर रही है, इट मींस प्रीमियम कितने का हो गया? 2 रुपए का। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जैसे ही प्रीवियस एंट्री की थी वैसे ही, बट प्रीमियम पे कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिंपल एंट्री होती है फोरफीचर की, सॉरी री इशू की। अब थर्ड देखो, अगर फोरफीचर शेयर्स हैं उसको री इशू कर रही है एट डिस्काउंट। देखो मोस्टली एग्जाम में तुमको यही वाली कंडीशन देगा, डिस्काउंट वाली, याद रखना, क्योंकि फोरफीट शेयर्स हैं, कंपनी बोलती है निकले, तो कम पे भी जा रहा है तो चला लेगी। तो एंट्री क्या होगी? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक सेकेंड, ये रफ करूं इसके पहले वाली एंट्रीज? यस मैम, यस मैम, चलो रुको, कंपेयर करने के काम आएगा, रहने दो। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब देखो प्रीमियम था तो यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट किया, ठीक, तो डिस्काउंट है तो कंपनी को क्या है? लॉस है। डिस्काउंट क्या है? कंपनी को लॉस है। तो जब प्रीमियम क्रेडिट है तो लॉस क्या हो जाएगा? डेबिट। अब देखो डेबिट, डेबिट, तो ऐसी सिचुएशन पे जब कंपनी डिस्काउंट में इश्यू करेगी शेयर, तो उसमें कौन से अमाउंट को वो यूज करेगी अपने भरपाई करने के लिए? शेयर फोरफीचर, याद रखना। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि देखो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि शेयर फोरफीचर क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा, बताया था ना आपको। फोरफीचर के टाइम पे शेयर फोरफीचर अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्रेडिट है ना। लेकिन जब अपन री इशू करेंगे और जब अपन शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, इट मींस कंपनी को तो लॉस हो रहा है, तो कंपनी वो लॉस कहां से भरपाई करेगी? ये जो फोरफीचर में इसके पास पैसे आ गए थे जो इसने जब्त किए थे, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट हुआ ना, एक तो उसने शेयर भी ले लिए और जो फोरफीचर का अमाउंट था वो भी जब्त कर लिया, तो अब वो इससे अपने लॉस की भरपाई करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में शेयर फोरफीचर क्या हो जाता है? डेबिट। री इशू के टाइम पे शेयर फोरफीचर हो जाएगा डेबिट, और फोरफीचर के टाइम पे फोरफीचर क्या रहेगा? क्रेडिट। तो ये तीन एंट्रीज है। फर्स्ट एंट्री थी आपकी ये वाली, जब सम मूल्य पे करेगा मतलब एट पार। सेकेंड एंट्री है आपकी ये वाली, जिसमें वो प्रीमियम पे कर रहा है, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, और ये जब वो डिस्काउंट पे करेगा, ये हो गई आपकी तीसरी एंट्री, ठीक। तो मेरी तरफ से वेराइटीज कंप्लीट है, हाँ। लेकिन अब जो मेन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बैक क्वेश्चंस, अब हम वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक।